हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं अपना यूट्यूब पर पहला व्लॉग बना रही हूँ और मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अंजलि है और चैनल मैंने इशिका बैसला अपनी बेटी के नाम से बनाया हुआ है। मेरी बड़ी बेटी का नाम है इशिका। दो बेटियाँ हैं मेरी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। दो बेटियाँ हैं मेरी, बड़ी वाली बेटी 5 साल की है, छोटी वाली 2 साल की है। नहीं, बड़ी वाली 5 साल की हो गई अब। और अभी तक आपने मुझे YouTube पे काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने भी कुछ टाइम पहले चैनल शुरू किया था तो उस पर 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, उसके लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी तक मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, मैंने कहा आज ट्राई करते हैं, आज व्लॉग डालते हैं। व्लॉग डालने में मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, लग रहा था कि हाँ ससुराल में कोई देखेगा आसपास में तो क्या बोलेंगे कि भाई बहू है व्लॉग बना रही है ये सब, तो वो सोच के थोड़ी शर्म आ रही थी। पर मैंने कहा चलो बोलते ही हैं, गली मोहल्ले वाले तो बोलने के लिए होते हैं। वैसे भी जब मैं पढ़ाई कर रही स्टार्ट करी थी मैंने अपनी, तब भी सब बोल रहे थे कि बहू को अभी भी पढ़ा रहे हो ये सब, कि क्या करवाओगे पढ़ा के लिखा के। तो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने अभी भी अपनी पढ़ाई शुरू की हुई है। मेरी ग्रेजुएशन के, मैं तब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट की और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में बी एड की हुई है और अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। यहीं से काफ़ी सपोर्टिव है मेरी फैमिली, वो उनको परवाह नहीं है कि गली वाले क्या बोलते हैं। मेरी सास भी मुझे बोलते हैं कि तू, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, तुम करो और उसे क्या, सब बोलने को बनाए बोलने दो। हस्बैंड भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं। आज सब घर पे कोई था भी नहीं, आज सब बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा चलो आज पहला व्लॉग बनाती हूँ। वैसे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, आज घर पे ही थी, फ्री थी, काम ख़त्म करके। बेटी है मेरी छोटी बेटी, इसको सुलाया हूँ, मैंने कहा ये सो जाएगी तब व्लॉग बनाती हूँ। मैं बैठी थी, मैंने कहा चलो आज अपना पहला व्लॉग शूट करती हूँ, आपको पसंद आएगा तो आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग डालूँगी और आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। हाँ ये मेरी बेटी है बड़ी, हाय हाय करो, हाय करो हाय। ये टीवी का रिमोट लेके घूमती रहती है, इसको सारे दिन टीवी देखना होता है। आज स्कूल नहीं गई, इसके पापा आज यहाँ नहीं थे तो इसे छोड़ के आने वाला कोई नहीं था, तो ये आज घर पे ही थी तो आज सारा दिन से टीवी देख रही है। मामा। हाँ जी। मुझे नहीं पता बेटा कहाँ है, बाहर देखो। देखे है, नहीं है। अभी आएंगे ना थोड़ी देर में, मैं भेजूंगी आपके पास। ओके, भूख तो नहीं लग रही? ओके मम्मा, सुसुआइए। तो जाओ करके आओ, ये वहीं रख देना रिमोट। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरे जैसी दिखती है, सब बोलते हैं। छोटी वाली अपने पापा पे गई है। ये मेरे हस्बैंड और मेरा फोटो, कैसा लगा ये भी बताना ज़रूर कमेंट करके। और शादी के बाद ना ये सब करना बहुत थोड़ा मतलब हो जाता है, थोड़ा समझ नहीं आता कैसे करें। और ससुराल से वैसे भी यहाँ गांव में हुई है मेरी शादी, गांव में हूँ मैं। मायका भी मेरा गांव में ही है, पर मायके से इतना सब कुछ नहीं होता कि लड़कियों के लिए, पर जब बहू बन जाते हैं तो थोड़ा तो लगता ही है। यहाँ गांव में मेरी शादी हुई है तो गांव में लोगों की थिंकिंग होती है थोड़ी, पर अब तो काफ़ी बदलाव आ रहा है गांव में भी, नहीं है बहुत से, पर होता है कोई कोई जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं ये कि क्या करा रहे हो बहू को, पढ़ा रहे हो क्या कराओगे ये सब करके, होती है कुछ लोगों की थिंकिंग। पर अब तो गांव में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, बहुत से लोगों की सोच बदल रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो अगली जनरेशन जो आएगी उसमें तो शायद गाँव शहर में कोई फ़र्क नहीं होगा। अब की जनरेशन में ही शायद ये पिछली पीढ़ी थी जिसमें ये सब होता था कि क्या करा रहे हो बहू को, पढ़ा रहे हो ये सब, अब आने वाले टाइम में तो सब बहू बेटी एक जैसे। मैंने तो पढ़ाई शुरू की हुई है। आप बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना और सपोर्ट करना। आप सब सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे भी ट्राई करूँगी, आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि मैं आगे किस चीज़ पे ब्लॉग बना के डालूँ। आपको मेरी फैमिली के बारे में जानना है, मेरी स्टडी के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में,
मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना और सपोर्ट करना। ओके, बाय बाय।